वो बहुत गोरी है, मतलब तुम सबके बीच में आके बैठ जाएगी तो महसूस होगा कि कोई बैठा है आगे आगे ना, गोरी है ना, जो गोरा होता है उसकी तरफ ध्यान चला जाता है। जब उसका नंबर आया तो मेरा गलती से उसके यहाँ पे उंगली लग गई, क्या लग गई, उंगली लग गई। वो चिल्लाने लगी, मतलब उसको इतना दर्द था, इतनी पीड़ा थी, ना तो वो बैठ सकती थी ना ठीक से खड़ी हो सकती थी, कभी खड़ी होती थी कभी बैठती थी। उसकी बेचैनी भी जो है हमारा ध्यान खींच रही थी कि एक लड़का आदमी पूरे इसमें बेचैन हो जाएगा ना तो हमें पता चलेगा वो कभी आए करेगा, कभी हुई करेगा, कभी ये करेगा, आया समझ में। वो 6 महीने आई मेरे पास, एक उसको भक्ति मिली, भगवान के दर्शन हुए साक्षात, आ गया ना समझ में। दो, उसके दर्द गायब हो गए, उसके सारे प्रेत खत्म हो गए, कभी कोई पहलवान आता था कभी कोई आता था कभी कोई आता था। तीन, फिर लास्ट में आज से 4-5 दिन पहले वो एक वीडियो में सबके सामने आई, उल्टा मुंह किया हुआ था उसने, और वो वहां से मतलब मेन गेट से वो पेट पलटी आई चल के, आगे ना ऐसे लेट के, एक बार लेट जाते हैं फिर आगे आते हैं, एक बार लेट जाते हैं फिर आगे आते हैं, आया समझ में। मतलब ये ऐसा शनिधाम है कि यहाँ आपको एक तो नाम का जप का सहारा मिल गया, दूसरी बात क्या होता है कि अगर आप नाम जप ले रहे हैं ना, मुझे पता है प्रेत को निकलने में और समय लगेगा, क्या लगेगा, उसका रोज का घर्षण होगा, आपको दबाव ज्यादा पड़ेंगे, लेकिन घबराना मत। अगर नाम की हमें कोई कीमत देनी पड़े ना तो बेशक दे देना, क्योंकि नाम के लिए भक्त तो जान भी दे देता है, तुम तो कीमत की बात करते हो। आगे ना रोज आना, भगवान के भक्त का चेहरा खिल जाता था, चेहरे से खून उतर आता था और वो माँ माँ कह के पुकारता था, आज दुनिया उसको भगवान के रूप में पूछती है। आगे ना विवेकानंद ने उनका पूरा परचम लहरा दिया था और उनका नाम था रामकृष्ण परमहंस, और लोग उस टाइम उनको पागल समझते थे कि ये अच्छा पागल है, हनुमान जी की साधना करता था तो पेड़ों पे चढ़ जाता था, क्या करते थे, पेड़ पे चढ़ जाते थे, और फिर जो है खुद बताते हैं कि पूंछ की हड्डी बढ़ गई, जो नीचे की हड्डी है ना वो ऐसे घूम गई पूंछ की तरह। आगे ना मतलब जब जिस भाव में चले जाते थे, इतने खो जाते थे, उसी के हो जाते थे। ये देखिए रामकृष्ण परमहंस जैसे साधक हमारे भारत में हुए हैं, और नाम के लिए कितना त्याग करना पड़ा, तो कितना भी त्याग करना पड़े, असीम त्याग भी करना पड़े, तो भी वो कम है नाम प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ये जीवन का उद्धार तभी होता है, वरना तो हम ऐसे ही प्रेत बन के एक दूसरे में घुसते रहते हैं, देखिए कितनी बड़ी बात है। आया, उस प्रेत को जो शरीर में आ गया है उसका, उसको योग दो, यानी कि उसको शांति दिलाओ, उसका उद्धार करो, तब एक उद्धार तो लग गया ना, एक कल्याण तो लग गया ना आपके हिस्से में। ऐसे ही करते करते धीरे 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 आप बिल्कुल फिट हो जाओगे। बोले जय शनिदेव। क्यों माता जी, भाई अच्छा ना कहो, गाली तो दो कुछ कहो, भगवान को भी तो लोग गाली देते हैं, मैं तो इंसान ही हूं। ये बात तो अनुचित है माता, मुश्किल उस दिन ले आए थे, फिर आड़ा डटे नहीं था, गाड़ी ने फोड़े था, तो फिर हम बोले ठीक है हम तेरे नाम के जप करवाएंगे, हम तेरे नाम का वो करवाएंगे, हम तने बोले नहीं। कल उन्होंने फोन भी दिया अपने पापा थे, अपने दादा थे, बहुत गाली दे था, कल उसको दादा भी कहा, मेरे से भी बहुत कहा था, चल चल बुढ़ी, कल बोला मम्मी माँ आ जा मेरी कमर में, कल वो हमारे पास भी से आएगा। महाराज के मैं उसके नाम की आज 8-9 दिन हो गया, एक बेटे के नाम की एक पोते की, पहला इसके था ये पोता।
यो सवादी अकति बेकार कर दिया, ना इसने अपने बच्चों का ना किसी। अब खड़ा होकर आ जा, हट मैं जाऊंगा, आज मेरे पोते को भी यहाँ बनाया, आज मैं कहीं तक पहुँचाऊंगा। दादा से बहुत आपको आना है, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा कि आप चार साल बाद आएंगे। आपने इलाज कराना है, आपको जो भी है हमारा है। आगे आपको जहाँ भी जो भी दर्द है हमारा है, बोल दिया ना मैंने, आपको आना है। आप डॉक्टरों से इलाज करा रहे हैं ना, ठीक नहीं हो रहे ना, फिर आप यहाँ आके भी डॉक्टरों से इलाज कराते हैं। ये फिर देखिए, आप चार साल बाद आए, चार साल पहले आए थे, आप रुके क्यों? नहीं तो फिर आप रुके क्यों? मैं बार बार तो क्रिया नहीं कराता, अरे तो उसका थोड़ा तत्व रह गया, वो आपको दर्द कर रहा है अभी भी, आप इसका डॉक्टर से इलाज करा रहे हो। डॉक्टर से जाएगा नहीं, उल्टा बढ़ेगा बढ़ेगा। हम पंजाब से आए थे ना, बढ़ रहा है ना, तो फिर पंजाब से दोबारा कदापि भी नहीं आया जाता क्या ठीक होने के लिए? इसलिए नहीं आ सकी, सास बहुत बीमार थी, मंजी पे थी, उसकी सेवा कोई करने वाला नहीं था। कोई नहीं, फिर उनके लिए हल्का हो गया ना, चलिए जाइए बाहर, जब कराइए दीपदान कीजिए, वो ठीक है, कोई बात नहीं, इसका जाप करा ले जाओ, जब वो भी सब चला जाएगा, बस यही असर है। एक बार बाहर जाप करा लो, दीपदान कर दो, पूरा सर और भारी हो गया। और यहाँ पे अभी आना है आपने, आपको ही तो शुगर नहीं है, शुगर किसको है? किसको है? तुझे फूक लगी है कहीं? कहाँ? सिर में लगी है, लेकिन सर में तो नहीं। पहले की शुगर अगर होगी आपके पेट में फूक जानी चाहिए, पेट में गई है, नहीं तो फिर शुगर तो आपको रोग है और सर में दर्द रहता है आपको अलग से, है ना? चलो शुगर की बेटे, कभी भी पता चला हो उनको शुगर जरूर है, ये मैं तुझे बता, ठीक है ना? क्योंकि मैंने फूंक मारी ना, वो पेट में जाती तो शुगर का रोग हमारा था, हम भी तो जानते हैं ना, शुगर होगी कहाँ, पेट से ही तो होगी, पेट की बीमारी है, पेट से ही होगी। शनिदेव महाराज वैसे उसका वर्चस्व रखते हैं, किसी का शनि खराब हो तभी ऐसी बीमारियाँ होती है। आइए, हाँ जी, यहाँ खड़े हो, आंखें बंद करो, जैसे वहाँ से उधर से बाहर जाएंगे, आप जब कराएंगे, किसी को महसूस हुआ है, किस किस को महसूस हुई है कंपन शरीर में, फूंक किस किस को लगी है शरीर के अंदर में, बताइए पहले, आपको लगी है, कहाँ लगी आपको? किसको? हाँ, बाहर बाहर ले जाओ, जब कराओ, सिर में लगी है, दर्द रहता है ना सर में, जाओ जब कराओ, आपको कहाँ लगी है भाई? चलो जब कराओ, जाओ जब कराओ, फिर ठीक हो। पेट में दर्द रहता है, पेट में लगी है, भूख कहाँ लगी है? कान में लगी है, मम्मी को पेट में लगी है। तो इसको पेट में दिक्कत है, इसका मतलब तेरी मम्मी को, मम्मी है तेरी, तो पेट में दिक्कत है इसको, फिर भैया दवाइयाँ चल रही है लेकिन फिर भी घबराहट होती रहती है, दो दो डॉक्टर बदल दिए, रिपोर्ट भी नॉर्मल आती है, आगे दो दो क्या चार 1600 देख लो, सारी नॉर्मल है, प्रेत है, छिपा बैठा है अंदर में, और कदापि ठीक नहीं हो सकती, कितने दिन से दवाई खा रही है पूछ लो इससे, डॉक्टरों से, प्रेत बाधा है, प्रेत बाधा के कारण जो प्रेत बाधा है, जो रोग बन गया है, उसको डॉक्टर पूरा जीवन लगा लेगा, 500-700 जन्म ले लेगा तब भी ठीक नहीं कर सकता, जब तक प्रेत को नहीं मानेगा। ये बात लिख लो आप मेरी, आया समझ में? आपको कहाँ महसूस हो रहा है? पूरी बॉडी में, तलवा भी नशे कर रहा है, तलवे में भी झंझन हो रही है, अभी खड़ी। आपको क्या महसूस हुआ भाई? दारू क्यों पीता है? कोई कहता है तेरे को दारू? मेरा मन नहीं करता, धक्के से पी रहा हूँ, मन नहीं करता, फिर भी धक्के से कैसे पी रहे हो? शाम को अपने आप को बंद कर दिया कर कमरे में, अपनी पत्नी को कह दिया कर बाहर से कुंडी लगा दे, अरे बंद कर ले अपने आप को कमरे में, मैं दारू ना पीऊँ, औरतें तो चाहती हूँ उनके आदमी दारू ना पिए, क्यों भाई? हाँ, टीवी देख अपने बच्चों के साथ बैठ, धागे नहीं बनाते, कान में फूंक मार दी मैंने तेरे, फूंक कहाँ लगी? यहाँ लगी, भूख ही लगवानी, धागा दूंगा कुछ मत, आगे तो अब काट के जवाते हो रहे, कहाँ से आया तू? द्वार मोड़ के, हाँ द्वार मोड़ जाओ, तुम्हारी बड़ी एक एकदम तुमसे लड़का करता मैं, बड़े बाहर जा रहा रहता है,
सारा शरीर क्या डॉक्टरों से इलाज नहीं करा रहा? नहीं करा रहा। बाहर चेक करा, दीप दान कर और अभी आओ। देखो फिर महसूस करो, यहाँ खड़ी हो जाए। आपकी बात क्या महसूस हुआ आप लोगों को? कुछ महसूस हुआ नहीं? आप जब कराइए, बाहर दीपदान कीजिए, कुछ होगा तो खुल जाएगा। सर मेरा होगा तो निकलेगा ना? तब उनके दिमाग को घुमाए रखा है, एक भी युद्ध नहीं होने दिया। महाराज की छत्र वैसी है, वो पकड़ा जाएगा। दीपदान की कर रहा हूँ कि मैंने आपको फूंक मारी, आपको लगी अंदर तक, यहाँ लगी तो सर में जो आपके दर्द रहता है वो ठीक हो जाएगा। आया समझ में? सर संबंधी कोई भी बीमारी है, चाहे वो आपकी डिप्रेशन है, चाहे आपको वो बता रखा है सर्वाइकल बता रखा है, और चाहे आपको माइग्रेन है। हाँ समझ में? फिर वो वहीं तक है सीमित, जहाँ तक दोष है। कुछ नहीं, बाहर जप करा लो, दीपदान कर जाओ।